ओम शांति। अज 2/9/2022 की बाणी है। बाबा आखते ने मिठे बच्चे तुहानू बाप का फरमान है, तुसी एक बाप तो ही सुनो अविनाशी ज्ञान रतन, सुन ते थोड़े कन भी मिठे हो जाएंगे। अज बाबा ने प्रश्न पूछा, ड्रामे दे ज्ञान नाल तुसी बच्चियां नू केड़ी रोशनी मिली है? अज बाबा दा उत्तर है, तुहानू रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामे विच हर एक नू अपना अपना पार्ट मिलिया होया है। एक दा पार्ट दूजे नाल मिल नहीं सकदा, बुद्धि विच है, सब दिन हुंदे नहीं एक जिहे। 5000 बरे दे ड्रामे विच दो दिन भी एक जिहे नहीं हो सकदे हन। ये ड्रामा अनादि बनिया होया है, जो हूब हू रिपीट हुंदा है। ड्रामे दी सदा याद रहे ता चढ़दी कला हुंदी रहेगी। गीत है महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, ओम शांति। बेहद दे सच्चे बाप दी है बेहद दी महफिल। बाप आंदे है उदों जदों बड़ी महफिल हुंदी है। सब आत्माएं इत्थे आ जांदियां हन, भावें थोड़ियां जिहियां आत्मावां उपर होणगियां भी ओह भी आ जाणगियां। हुण इह तां समझाया गया है बाबा कौण है। पहले पहले सदा बाबा दी महिमा सुनानी है। ओ सच्चा बेहद दा बाप है, बेहद दा सच्चा शिक्षक है, बेहद दा सच्चा सतगुरु है। ए एक दी ही महिमा है, ए पक्का याद कर लेना है। नाम ही हमेशा शिव बाबा दा लो, जदों गिनती करदे हन ता बिंदी नू शिव कहंदे है। ता बेहद दा बाप शिव है, ओ है बेहद दा सिख्याक। सानू हिस्ट्री दे आदि मध्य अंत तीनों कालां दी समझाणी दिंदे है। हिस्ट्री अते ज्योग्राफी हुंदी है ना, सतयुग विच क्यों राज करदे है, किन्ने इलाके ते करदे है। तुसी कहोगे कि सतयुग विच देवी देवता सारे विश्व ते राज करदे हन, विखाया जांदा है ना कौन कौन किथे राज करदे है। जिवें बड़ौदा वाले बड़ौदे ते राज करनगे, इत्थे ता टुकड़े टुकड़े है, उत्थे इवें नहीं है। उत्थे है सारे विश्व दे मालिक, हुण कोई धर्म नहीं हुंदा। बाकी राजाए क्यों नहीं हुंदे, हर एक नू अपना वरसा मिलिया। पहले पहले मुख्य गल है ऊंच तो ऊंच शिव बाबा, जो सच्चा बेहद दा बाप बेहद दी शिक्षा देने वाला है। जो हिस्ट्री दे आदि मध्य अंत दी शिक्षावां समझा के त्रिकालदर्शी बनांदे है। दुनिया विच त्रिकालदर्शी कोई मनुख नहीं जो रचता और रचना दे आदि मध्य अंत नू जानदा होवे। ओ बेहद दा सतगुरु है, सब नू नाल लै जाण वाला पंडा भी है। ओ सब है जसमानी पंडे, ए है रूहानी। गीत विच भी सुनिया, चारों तामां दा जन्म जन्मंतर चक्कर लगाया। तीर्थ कोई कित्थों कोई कित्थों, चारे पासे है ना, चारे पासे दे चक्कर लगाओ फिर भी भगत लोग भगवान नू मिल नहीं सके। भगवान आंदा ही है इस समय, उना नू पातित पावन कहा जांदा है। कलयुग नू सतयुग बनाण वाला बाबा भारत विच आंदे है। भारत वासियां नू ही फिर तो हीरा वर्गा स्वर्ग दा मालिक बनांदे है। अजेहे बाप नू ना जानण दे कारण साधु संत आदि परमात्मा नू सर्वव्यापी कह दिंदे है। तुसी बच्चे कहंदे है बाप ने ब्रह्मा दे मुख द्वारा सानू अपना बनाया है, असी ईश्वर दे कुटुंब दे ठहरे। तुसी हो शिववंशी फिर बनदे हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इन्हां नू कहा जांदा है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छड दूसरा लेंदी है,
देवी देवता जो सतो प्रधान सन ओ भी सतो रजो तमो विच आए है। विकारां दी खाद पैन नाल फिर तमो प्रधान बन जांदे है, खाद पैंदी है आत्मा विच। बाबा आखदे ने इवें नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही पुण्य आत्मा ते पाप आत्मा बनती है। बोलो असी जो तुहानू सुणांदे हां ओही सुनो, सानू होर किसे दा सुनना नहीं है, बाप दा फरमान है, तुसी किसे दा नहीं सुनो। तुसी जो बोलोगे शास्त्रां दी ही गल बोलोगे, ओ ता जन्म जन्मांतर असी सुनदे ही आए, तक्के खांदे ही आए हाँ। बेहद दा बाप ता एक ही है, असी अजिहे बाप दी सुनांगे जां तुहाडी सुनांगे। असी तुहानू सुनाउण वाले हाँ, ना कि सुनन वाले। समझाना है प्रजापिता ब्रह्मा ते इन्हां कुमार ते कुमारियां हन तां जरूर भाई भैण ठहरे। दादे दा वरसा मिलदा है ब्रह्मा द्वारा, दादे दा वरसा बाप बिना किवें मिलेगा। बहुत कहंदे है असी तां सिद्धा दादे तो ही लवांगे, पर मिलेगा किवें? ब्रह्मा कुमार कुमारियां जदों तक बनन उदों तक दादे तो वरसा किवें मिलेगा? पोत्रे अते पोत्रियां दोनों नूं हक मिलना है। बाप दे बिना दादा कित्थों आवेगा? पहले पहले है बाप दा परिच, ओ गीता दा भगवान बेहद दा सच्चा बाप, बेहद दी सिख्या देण वाला है। बाप बुढ़िया माता दे लई सहज करके समझांदे है, ए है संगम। जदकि बाप बैठ पतितां नूं पावन बनांदे है, इस नूं कुंभी पाक नरक कहा जाता है। ये सारी दुनिया विशेष विश्वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी दी नदी नहीं है। इस नूं विशेष सागर कहा जाता है। परम पिता परमात्मा है ज्ञान दा सागर, अते रावण है विष दा सागर। उन्हां तों विकारां दीआं नदियां बहिंदीआं है। इस समय जो आसुरी संप्रदाय है ओह विश सागर विच गोते खा रहे है, दुख ही दुख है। इन्हां गल्लां नूं भी कोटां विच कोई समझणगे, कोई तां बहुत चंगे बन के भी आश्चर्यवंत भगंती हो जांदे है। कहिंदे भी है असी स्वर्ग दा मालिक बन रहे हां, फिर भगंती हो जांदे है। युद्ध दे मैदान विच कोई सब दी इज्जत नहीं हुंदी है, दोवें पासिआं कोई मरणगे कोई जित्तणगे। हाँ पहलवान होणगे तां ज्यादा नूं मारनगे, कमजोर जो हन ओह ज्यादा मरदे हन। इत्थे भी जो कमजोर है ओह झट मर पैंदे है। इत्थे तुहाडी है ही रावण नाल लड़ाई, काम ने हराया तां बहुत बड़ी चोट लग जांदी है, बॉक्सिंग हुंदी है ना। कई तां बेहोश हो जांदे है, फिर आवाज़ करदे है, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। इत्थे भी काम दी चोट खाई तो बड़े जोर नाल धक्का आ जाता है, काला मूँह हो गया। क्रोध ते बिना नहीं कहणगे जिन्ना काम ते, ये है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देन वाला है। काम कटारी नाल ही बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार नाल ही पतित बंदे है। नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ धोए, बाप ही आकर कपड़े धोंदे है। हुण तुहाडा भी ये पुराना शरीर है, हर एक नूं अपना अपना पार्ट मिलिया होया है, एक ना मिले दूजे नाल ड्रामा है ना। सब दिन एक जिहे नहीं हुंदे, 5000 बरे दा ड्रामा है। इस विच किन्ने दिन होणगे? 2 दिन भी एक जिहे नहीं हो सकदे। ये फिर 5000 बरे बाद हूबहू रिपीट हुंदा है, ये अनादि ड्रामा है। सैकेंड वाइज सैकेंड पार्ट बजदा जांदा है, फिर रिपीट हुंदा है। किथे सतयुग किथे कलयुग, उत्थे की कंद हुंदा है इत्थे की हुंदा है, ये तुसी बच्चियां नूं हुण रोशनी मिली है, हुण तुहाडी चढ़दी कला शुरू हुंदी है। बाप कहंदे है ਦੇ ਦਾਨ ਤੇ ਛੁੱਟੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੌੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਤਨਾਗਰ ਸੌਦਾਗਰ, ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰਦ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਕਲਪ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਬਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੂਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਵੇਗੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਸੁਣੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਆਦਿ ਮਧਿਅੰਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਹੈ, 8 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ੀ ਚੰਦਰ ਵੰਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਾਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਕੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਫਿਰ ਘਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੀ ਅਮਰ ਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਵਾਪਿਸ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੱਕੇ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੇਰੇ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਦਮ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੈ, ਹੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਆਓ ਆਕਰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕੋ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਧੱਕੇ। ਤਾਂ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ? ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬਰੋਬਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਯੁਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਕਲਪ ਦੇ ਸੰਗਮ 'ਤੇ ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੀ ਆਕਰ ਸਹਿਜ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸੁਖਧਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖਧਾਮ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਮ ਕਟਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਲਗਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਪੈਣ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਸੀ, ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
इस ज्ञान यग विच अनेक तरह के विघन पैंदे ही रहणगे कल्प पहले मुआफिक। कोई कोई तो फरमान बरदार बच्चे भी है जो बाबा का कहना कदे मनणगे नहीं, रुस पैणगे। गोया अपनी तकदीर नाल रुसते है फिर ऊंची तकदीर बनती ही नहीं है। दे अभिमान के कारण अपनी मत ते चलन लग पैंदे है। कदम कदम श्री मत ते चलना चाहिदा है। श्री मत दिंदे है ब्रह्मा द्वारा, एवें थोड़ी ना कि प्रेरणा द्वारा किसी नूं मत देणगे। जेकर अजिहा हुंदा तां फिर इन्हां विच आके इन्ने बच्चे पैदा करन दी लोड़ ही की। चंगा चंगे बच्चे पुराने बच्चे समझते है, असी तां शिव बाबा ते सिद्धे ही लै लवांगे। दे अभिमान बहुत है तां इह पक्का याद कर लवो, साडा सच्चा बेहद दा बाप बेहद दा वरसा देण वाला है। बेहद दा वरसा माना नर तो नारायण बनाण वाला। उत्थे हैल्थ वैल्थ दोनों है तां खुशी रहिंदी है। इत्थे किसे नूं हैल्थ है तां वैल्थ नहीं है, किसे नूं वैल्थ है तां हैल्थ नहीं है। बच्चा पैदा ना होवे तां दूसरे दा लैणा पए, उत्थे इह सारियां गल्लां हुंदियां नहीं। उत्थे तां इक बच्चा जरूर होवेगा, इह है दुख धाम। रावण तो दुख दा शराफ मिलदा है, बाप आके वरसा दिंदा है। इत्थे तुसी बच्चियां दा मूँह रोज़ मिठा किया जाता है। सेंटर ते ता गुरुवार दे दिन मूँह मिठा कराते हैं। इत्थे ता कन भी मिठे किते जाते हैं, मूँह भी मिठा किया जाता है। आत्मा कन्ना नाल अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैना नाल देखती है, मूँह नाल खाती है तो उन्हों का स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पैंदा है ना। अच्छा, मिठे मिठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नमस्ते। रूहानी बच्चों दी रूहानी बाप दादा नू गुड मॉर्निंग नमस्ते जी। धारणा लई मुखसार नंबर एक पर फुल बन के सब नू सुख देना है। किसे नू कंडा नहीं लगाना, कदे भी बाप दी अवज्ञा नहीं करनी है, रुसना नहीं है। नंबर दूजा, कदम कदम ते बाप दी श्रीमत ते चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। दे अभिमान विच आके ना फरमान बरदार नहीं बनना है। बरदान है अज दा रूहानी सोशल वर्कर बन, हल चलते समय परिस्थितियां नूं पार करन दी हिम्मत देण वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन, हल चल दे समय परिस्थितियां नूं पार करन दी हिम्मत देण वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा आखदे ने हुण समय प्रति समय विश्व विच हलचल वधदी ही है। अशांति जां हिंसा दे समाचार सुणदे होए तुसी रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चियां नूं विशेष अलर्ट बन के अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब विच शांति दी सहज शक्ति दी हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन के सर्व नू शांति दी लाइट देनी है। ए फर्ज अदाई हुण तीवर गति नाल पालन करो, जिस नाल आत्मा नू रूहानी राहत मिले। सड़दे होए दुख दी अग विच ठंडे पानी भरन दा अनुभव करन। स्लोगन अज दा, सब दा माण प्राप्त करना है तां निर्माण चित बनो। सब दा माण प्राप्त करना है ता निर्माण चित बनो। अच्छा, ओम शांति।